सर आपका नाम? मेरा नाम रितेश खजूरिया। रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये साइकिल से लगाया गया स्मार्ट सिटी के तहत, इसका कोई ना देखभाल करने वाला है ना कोई चला रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो साइकिल लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट से हम अपील कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सुनवाई नहीं रही वहाँ पर, सिर्फ हम अपील कर सकते हैं, ये जो साइकिल आपने लगाए हुए हैं इसको प्रॉपर एक शेड होना चाहिए, इसके शेड होता तो शायद ये लोग कुछ यूज़ कर पाते। और दूसरा बात, कोई आप ऐसी कोई जगह नियुक्त कीजिए जहाँ पे ये लगने चाहिए। ये जगह शमशान घाट के बाहर या कब्रिस्तान के बाहर आपने लगाए हुए हैं, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई यूज़ करेगा। और जिसने भी ये लगाए हुए हैं सिर्फ कमीशन के चक्कर में लगाए हुए हैं, सिर्फ कमीशन बनाने के चक्कर में, पैसा हमारा है, वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो उनको नहीं पता, पर कैसे दुरुपयोग करना है अपनी कमीशन के चक्कर में वो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। पूरे गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर एक शेड बनाया जाए, कोई देखभाल करने के लिए कोई आदमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हमारा पैसा यूज़ किया हुआ है तो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और इसके बारे में बताना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 100 में से अगर आप यहाँ से 100 आदमी गुजर रहे हैं तो 95 आदमियों को पता होगा इसको यूज़ कैसे करते हैं, नहीं पता होगा। पहले आपको इसके बारे में बताना चाहिए था कैसे यूज़ करना है, और प्रॉपर अच्छी जगह पर लोकेशन अच्छी ढूंढिए जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। आपको मुझे नहीं लगता कि कब्रिस्तान के बाहर कोई ज़रूरत होगी। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है कि कब्रिस्तान के बाहर साइकिल नहीं लगते। मेरा नाम साहिल लंगर है। साहिल जी, आप यहाँ से डेली आना जाना करते हैं? जी बिल्कुल। कभी ये साइकिल चलाया? जी नहीं। देखा कभी किसको चलाते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। क्या कहना चाहेंगे, जैसे खुले में पड़ा हुआ है, नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है, इसके ऊपर यही कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, ऊपर कम से कम शेड बनाए, लोगों को बताए कि कैसे चलाते हैं, कैसे चलेगा, कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, इसका यूज़ ही नहीं हो रहा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल कोई इस्तेमाल करने वाला ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, या तो खड़ा करें जो उनको बताए लोगों को कि कैसे इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, बच्चों को अपनी ही चला रहे हैं, बाइक वगैरह सब कुछ चला रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं इस बारे में, छोटे बड़ा भी नहीं चला, बड़ा कैसे चला पाएगा जब पता ही नहीं है। कोई एक बंदा तो कम से कम खड़ा करें यहाँ, किसी को अवेयरनेस करने के लिए कि जानकारी दें कि आओ इसको चलाओ, इसको यूज़ करो, इसको इस्तेमाल करो, ये आपकी साइकिल ही बहुत बड़ा साइकिल है, नीचे पाँव भी नहीं लगता। नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश जी, आप यहाँ से गुजर रहे थे, आप चाहते तो साइकिल भी ले सकते हैं, पैदल जा रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं इसलिए नहीं ले रहा कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है कि साइकिल लेना कैसे है। एक तो ये साइकिल साइज़ बहुत छोटा है, ये तो बच्चों के साइकिल हैं, अब हमें तो थोड़ा ऊँचा साइकिल चाहिए, ये साइकिल छोटा है। दूसरा, ये पता ही नहीं लेना कैसे है। चलो मैं तो ले लूँगा, और आम जनता को नहीं पता कि ये कैसे लेना है, ऑनलाइन लेना है, कैसे पेमेंट कैसे करनी है, कैसे नहीं, कोई इधर लिखा नहीं हुआ कुछ भी, तो कैसे पता चलेगा किसी को। इधर कोई ना शेड है ना कुछ है, ऐसे बारिश में ये पड़े हुए हैं, देखभाल कोई है नहीं इनकी। सर आपका नाम? नाम बंटी नाम है। पंडित जी, आप पैदल आ रहे हैं, साइकिल क्यों नहीं ले रहे हैं? साइकिल देखो, इसकी कोई पता ही नहीं है, एक तो साइज़ छोटा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे लेना है, क्या करना है, ना ही कोई देखभाल करने वाला है यहाँ पे, तो ना कोई शेड वगैरह, किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं, ऐसे ही मतलब कि फेल ही हो रहे हैं ये, कि मतलब कि कोई बच्चों को ही नहीं पता। बच्चों के लिए तो है, तो अगर कोई बड़ा बंदा है तो उसके लिए भी है तो, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, इनका पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, नहीं कोई कौन चला पाएगा इसको, कोई भी नहीं चला पाएगा। लेकिन यही है कि बच्चों के लिए है तो अच्छा लगता है, अगर बच्चे साइकिल वगैरह चलाए, थोड़ा सा इस गेम में थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, इधर बोर्ड भी नहीं है, पता ही नहीं किसी को क्या है, ऐसे ही पड़े हुए हैं जैसे मतलब।